नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। दावा क्या है? सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के जसपुर में दो गुटों के बीच हुई लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जसपुर की एक दरगाह में गए हिंदुओं को मुस्लिमों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। प्रोपेगेंडा चैनल सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानकर ने ट्वीट में लिखा, मैं जीवन में पहली बार शांति दूतों का धन्यवाद कर रहा हूं। उन्होंने उत्तराखंड के जसपुर दरगाह पर चादर चढ़ाने गए हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ऐसे ही कुछ और दावों को हम ज्यों का त्यों बिना किसी भाषाई बदलाव के आपको बता दे रहे हैं। नेशन फर्स्ट नाम के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, मैं जीवन में पहली बार शांति दूतों का धन्यवाद कर रहा हूं। उन्होंने उत्तराखंड के जसपुर दरगाह पर चादर चढ़ाने गए धर्मनिरपेक्ष सेकुलर हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फेसबुक यूजर जयंत सक्सेना ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। फेसबुक यूजर हेम सागर देसाई ने क्या लिखा, देख लीजिए। दक्षिणपंथी रुझान वाले बीजेपी समर्थक वकील प्रशांत पटेल उमराव ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से भी यही दावा किया है। हालांकि प्रशांत ने ये वीडियो पोस्ट नहीं किया है। इन सब पोस्ट के बाद पड़ताल की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर पाठकों ने हमें ये वीडियो जांच के लिए भेजा। तो अब बारी पड़ताल की। हमारी पड़ताल में जसपुर दरगाह में हुई आपसी मारपीट को सांप्रदायिक बताता दावा गलत निकला। ये मारपीट मुस्लिमों के ही दो गुटों के बीच हुई है। पुलिस ने इस घटना की शुरुआती वजहें जमीन का पुराना विवाद और चढ़ावे की राशि बताई है। इंटरनेट पर हमें जसपुर के दरगाह में हुई मारपीट से जुड़ी खबरें मिली। ईटीवी भारत की 29 मार्च 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक जसपुर में पतरामपुर के पास कालू सैयद बाबा की दरगाह है। शबे बारात के मौके पर दरगाह में इबादत करने आए जायरीनों और मजार के मुजाविरों में मामूली बात को लेकर नोकझोंक हो गई। धीरे धीरे बात मारपीट में तब्दील हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक युवक को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की ज्यादा डिटेल्स के लिए हमने उधम सिंह नगर में इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार रमेश चंद्रा से संपर्क किया। उन्होंने बताया, कालू सैयद दरगाह होली के चलते बंद थी और कुछ लोगों ने इबादत करने की जिद पर सेवादारों की जमकर पिटाई कर दी। ये वीडियो 29 मार्च 2:02 का है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने इस मामले की जानकारी अपने फेसबुक पेज पर दी है। पुलिस ने बताया, कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर चादर चढ़ाने को लेकर हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाने की भ्रामक एवं झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि सत्यता यह है कि दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोग थे। अमजद अली और अब्दुल हमीद के बीच हुई इस मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। घटनास्थल काशीपुर पुलिस सर्किल के तहत आता है। काशीपुर के सर्किल ऑफिसर अक्षय प्रहलाद कोड़े ने 1 अप्रैल को अपने बयान में स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। 29 तारीख को दोपहर के समय में होली के दिन पे जसपुर की बाबा सैयद कालू बाबा की मजार पे मारपीट की कुछ शिकायतें पुलिस के संज्ञान में आई। हम मौके पर पुलिस चली गई, उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए। और इसमें क्लैरिफिकेशन की बात यह है कि इसमें जो लड़ाई चल रही थी वो वहाँ पे आए चंदा और कंस्ट्रक्शन को लेके एक ही समुदाय के बीच में थी, और उसको सोशल मीडिया पे भी गलत तरीके से बताया गया कि ये हिंदू मुस्लिम हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब झूठी है। जितने फुटेज यहाँ आए, जितने लोग हैं हमने आइडेंटिफाई किए, वो एक ही समुदाय के हैं और उसी पर उचित कार्रवाई की जा रही है। विवाद बहुत दिन से है, वो हाईकोर्ट में भी चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कमेंट करना ठीक भी नहीं है। बट फिर भी जितना हमारी समझ है उस केस के मामले में, वो बहुत ही प्राचीन मजार है। बट हाल ही में उसका एक बोलते हैं ना हम लोग, एक टूरिस्ट मैप पे आ गई है वो, और वहाँ जो चंदा इकट्ठा हो रहा है उसका उस मजार को मैनेजमेंट को एक्वायर करने को लेके जो विवाद हो रहा है, तो उसी सिलसिले में ये झगड़े चल रहे हैं और अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग दिन पे ये आए दिन होते ही रहते हैं। तो नतीजा क्या निकला? उत्तराखंड के जसपुर में मुस्लिम समुदाय के दो गुटों के बीच 29 मार्च 2021 को मारपीट हुई थी। इसे चादर चढ़ाने गए हिंदुओं की पिटाई बताकर शेयर करता दावा गलत है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई दावा आता है तो शेयर ना करें, और अगर शेयर करना है तो इस पड़ताल को शेयर करें। बाकी आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी ओम ने, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।